राम राम जी सभी को। मैं आप लोगों का साथी मोहित पुनिया भाई आप सभी का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई इवनिंग की कोल्डनेस में एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो भाई एसएससी एमटीएस का जो आप लोगों का एग्जाम होना, अभी अभी फार्म भी भरवाए गए थे फरवरी के अंदर, ठीक है, उसकी आप लोगों को पता भाई एग्जाम डेट आ गई है, 29 मार्च को है उसकी एग्जाम डेट आ गई थी, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना भाई, अंतिम जो एक महीना है आप लोगों का, ये जो एक महीना अभी जो रह रहा है आपका, मई में आप लोगों की परीक्षा है, अप्रैल अप्रैल का महीना रह रहा है, ये एक महीना आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है, ठीक है। इसके अंदर अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी, थोड़ी सी लापरवाही बरत ली, तो आपका पूरा कैरियर बर्बाद हो सकता है, और इसी के अंदर अगर थोड़ी सी भी समझदारी बरत ली तो लाइफ सेट हो सकती है, ठीक है। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा आखिरी के एक महीने के अंदर तैयारी कैसे करनी है, कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके हैं, कितने घंटे के सब्जेक्ट को देने हैं। बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, अब बुक से कोई भी लेना देना नहीं है, 150 में से 110 प्लस की रणनीति है, वो कंप्लीट की कंप्लीट जानकारी मैं आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। देख लो भाई फटाफट से क्या कुछ मामला है। सबसे पहले तो भाई जो आप लोगों को पता है एमटीएस का जो एग्जाम होना है वो आपके 2 मई से हैं, आप लोगों की परीक्षाएं शुरू है, एमटीएस और हवलदार दोनों के पेपर होने हैं, 2 मई से आप लोगों की परीक्षाएँ शुरू हैं और 19 मई तक ये तो आपका एक फेज में होंगे, ठीक है। दूसरा फेज के अंदर आपके 13 जून से स्टार्ट होंगे और 20 जून तक, क्योंकि ये दूसरे वाले हैं आपके अवलदार के, यानी पहले वाले हैं कि आपके एमटीएस के हैं, 2 तारीख से लेकर 19 तारीख तक। मल्टी टास्किंग स्टाफ होती है वैसे तो फुल फॉर्म, लेकिन ये पेपर ऐसा दिया करें मल्टी टैलेंटेड स्टाफ, उस फुल फॉर्म को ही ये सिद्ध करते हुए हैं। एसएससी एमटीएस के अंदर अगर आप लोग भी अगर ये सोचने लग रहे हो कि हम लोग अगर मिनिमम से मिनिमम अगर हम लोग इसको अड़के में ले लेते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि एसएससी जो एमटीएस है आपका, एसएससी एमटीएस है, आप लोगों को सभी को पता है 10th पास का जो कोई भी नर हो मादा हो वो इसके अंदर है फॉर्म अप्लाई कर सकता है, लेकिन इसका जो पेपर का जो लेवल होता है, इसका जो आपका पेपर का लेवल होता है वो आपका सीजीएल से भी ऊपर आता है, पहले ही बताने लग रहा हूँ, कभी एग्जाम के अंदर जाके फिल्टर फट जाए, पेपर का जो लेवल इसका सीजीएल से भी ऊपर है, ठीक है। जो एमटीएस का जो पेपर आप लोग प्रीवियस ईयर के एक पेपर उठा के देख लेना, सीजीएल का पेपर आप लोगों को आसान मिल जाएगा, लेकिन एमटीएस का सबसे हार्ड पेपर आता है, इंग्लिश होगी, जीके होगी, मैथ होगी, मैथ तो सबसे मुश्किल एमटीएस के अंदर आता है। अगर आप लोगों को टॉप लेवल की तैयारी करनी है तो एमटीएस की तैयारी करनी शुरू कर दो, सीजीएल सीएचएसएल ये तो बाद में आएंगे, ठीक है। इस तरीके से तैयारी करनी है आप लोग, अगर आप लोग ऐसे समझने लगे वैसे सी एमटीएस अड़के का सौदा है, अलवा है वैसे, तो अलवा आप लोगों की जीभ जला देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी आप लोगों के कोई भी आसान वगैरह क्वेश्चन नहीं आएंगे, समझो 10th लेवल का तो बिल्कुल इजी आएंगे, ऐसे फिल्टर पार्ट क्वेश्चन आएंगे सीजीएल के अंदर भी नहीं आते। अब इसके अंदर आप लोगों को पता है कि जो इसके अंदर 2 पोर्शन है, एक मैथ जो रीजनिंग का जो पोर्शन है, इसके अंदर जो आपका मैथ रीजनिंग का जो पोर्शन है ना, मैथ और रीजनिंग का जो आपका पोर्शन है, ठीक है, इसके अंदर क्या है आपके मैथ रीजनिंग के पोर्शन के अंदर, ये आपका ओनली क्वालिफाइंग है, ठीक है, 12 नंबर लेने हैं, 12 क्वेश्चन ठीक करके आना आप लोगों को, ओनली क्वालिफाइंग है। तो अगर आप लोग रीजनिंग के भी क्वेश्चन कर दोगे तो भी आप लोगों की नैया पार हो जाएगी। अब जो दूसरा पोर्शन बच गया जिसको है आपका इंग्लिश और आपका जीके, ठीक है, इसके अंदर अब क्या है आप लोगों को कितनी कितनी देर पढ़ना है डेली, अब कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाने हैं आप लोगों को। प्रैक्टिस सेट आप लोग कहाँ से लगा सकते हो, जैसे ये टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक बेस्ट ऐप है प्रैक्टिस सेट लगाने का एसएससी के पेपरों के लिए, ठीक है। अंतिम अवसर इसके ऊपर अभी सेल भी लगी हुई है, 30 से 31 मार्च यानी कि आज के लिए ऑफर है, और 1 अप्रैल से इनके प्राइस है बढ़ जाएंगे, 224 रुपये के अंदर है, 2 साल की वैलिडिटी आप लोगों को मिलने लग रही है, और अगर 1 ही साल की चाहिए आप लोगों को तो ये 1 साल की वैलिडिटी है, 1 तारीख से 1 अप्रैल से 399 रुपये हो जाएगी, और जो 2 साल की वैलिडिटी अभी जो ऑफर चलने लग रहा है 224 रुपये में, और अगर आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट चाहिए तो अगर आप लोग ये कोड लगा दोगे JTT तो आप लोगों को एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिल जाए। टेस्ट बुक ऐप अगर प्रैक्टिस सेट लगाने, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब क्या करना आप लोगों को, डेली प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, ठीक है। अब आप लोगों को कोई भी बुक पढ़ने जरूरत नहीं है, इंग्लिश है, इंग्लिश के डेली प्रैक्टिस सेट लगाओ, डेली प्रैक्टिस सेट लगाने हैं इंग्लिश के, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो उसके प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट लगाओ, जो भी आपका टेस्ट बुक ऐप है सबसे बेस्ट ऐप है प्रैक्टिस सेट के लिए, यहाँ पर जाओ और एसएससी एमटीएस के प्रैक्टिस सेट लगाओ। नो नहीं मैं प्रमोशन करूँ, मैं जेन्युइन वे में बताने लग रहा हूँ, ये बेस्ट ऐप है, ठीक है। यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाओ डेली के इंग्लिश, इंग्लिश के ऊपर कम से कम आप लोगों को 3 घंटे का जो टाइम है आप लोगों को इंग्लिश का देना, इंग्लिश को देना है 3 ओवर का टाइम, ठीक है, 3 आवर का टाइम आप लोगों को इंग्लिश को जरूर देना है डेली, 3 आवर क्या करने, सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाने हैं,
और कुछ नहीं करना, आप लोग कोई बुक पढ़ने की जरूरत, अरे प्रीवियस ईयर को कंप्लीट कर लो, उसी के अंदर से पेपर आ जाएगा, नया कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट से आप लोगों को पता लग जाए आपका क्या कुछ चाह रहा है क्या कुछ नहीं, और जिनकी तैयारी हो चुकी है वो भी आप प्रैक्टिस सेट लगाओ। जीके है भाई, जीके के अंदर कभी भी आपके फुल मार्क्स नहीं आ सकते, जीके के अंदर फुल मार्क्स अगर आप लोगों को कोई पुरुष ऐसा कोई पुरुष या मादा है नर या मादा अगर कोई आप लोगों को बोल दे मैं आपके जीके के अंदर पूरे नंबर ले आ जाऊँ तो वो इम्पॉसिबल है, ऐसा आना एसएससी के अंदर तो विशेष तौर पर, अगर कोई ऐसा कहता तो एसएससी को अभी तक जानता नहीं है। आगे बात समझ में, तो एसएससी के अंदर तो जीके के अंदर फुल मार्क्स लेना इम्पॉसिबल है, तो एसएससी के अंदर अगर आप लोगों को जीके है तो जीके के अंदर आप लोगों की मैक्सिमम, जैसे इसके अंदर अगर आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपके इसके अंदर अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 के अंदर से आप लोग हैं मैक्सिमम 13 या 14 क्वेश्चन ही ठीक कर पाओगे, बाकी के जो मतलब बच्चे हैं वो 13-14 पर भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्वेश्चन ऐसे आएंगे विद नेगेटिव मार्किंग भी है, आप लोगों को भी पता है। तो जीके के अंदर आप लोगों को क्या करना है, जीके के अंदर एक तो करंट अफेयर थोड़ी सी अच्छे से कर जाना, ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर की जो जीके है ना उसको रिवाइज मार जाना एक बार पेपर से पहले, उसी के अंदर से कवर अप हो जाए, कुछ नया पर्सन नहीं आएगा, नया पर्सन सिर्फ करंट अफेयर गया, प्रीवियस ईयर की जीके को रिवाइज अप मार जाना और आराम से सिलेक्शन हो जाए। इस चीज़ के ऊपर विशेष ध्यान देना, आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाने, अब नया पढ़ने का टाइम नहीं है, आखिरी का एक महीना है, डेली प्रैक्टिस सेट लगाओ, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ। ठीक है, अब आप लोगों को दिन में कितनी देर पढ़ना है, दिन में 3 घंटे इंग्लिश पढ़नी है, 2 घंटे जीके पढ़नी है, 1 घंटा मैथ और रीजनिंग पर, मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं, रीजनिंग पढ़ लेना तो भी आराम से पेपर क्लियर हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के दिन में 6 घंटे पढ़ने हैं, आसानी से पढ़ के आसानी से एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ये आप लोग हैं ना जो लाइब्रेरी के अंदर एसी के अंदर बैठ के आराम से वेब सीरीज देखते हो, कभी फर्जी वेब सीरीज देख ली, कभी कोई सी और देख ली, जस्ट टाइम वेस्टेज, आप लोगों को भी पता है। ठीक है, अपने माँ बाप का पैसा है, मेहनत की कमाई, उसको बर्बाद करने लग रहे हो, आप लोग खुद को धोखा देने लग रहे हो, माँ बाप का कुछ नहीं बिगड़ेगा, धोखा आप लोग खुद को देने लग रहे हो, माँ बाप आपके लिए खेत में काम करके खून पसीने की कमाई है आप लोगों के बैंक में भेजते हैं, आप लोगों के खाते में भेजते हैं कि भाई पढ़ लेगा बच्चा, बच्चा खुद बिजना की आवाज़ आँख दे पाओगे, तरती लाइब्रेरी का मैं एसी का मैं बिठाए रखा है, और आप लोग फिर भी नहीं पढ़ते, आप लोग उसके अंदर वेब सीरीज़ देखते हो, टाइम पास करते फिरते हो, बाहर बैठ के चाय पी ली, गपशप मार ली, हुक्का पी लिया, बस टाइम वेस्ट करते रहते हो, खुद को धोखा देने लग रहे हो। ये ही मतलब अब की, अब जो आपकी एज है ना, ये सबसे बेस्ट एज है नौकरी लेने की, अब हो गए आप लोग सभी लोग लगभग 23-24 साल के, 30 साल के हो गए, टप जाओगे, जैसे जैसे 30 साल के नज़दीक पहुँचोगे ना, वैसे वैसे ताने सुनने की आदत पड़ जाएगी, आप लोगों के मम्मी पापा को भी ताने मिलेंगे, हाँ भाई अपना लड़का है दिल्ली छोड़ रखे या कहीं पर और छोड़ रखे तैयारी के लिए, क्या करने लग रहे हो, कहीं पर उसका सिलेक्शन क्यों नहीं होने लग रहा, क्या जवाब देंगे आपके माँ बाप, तैयारी करो मन लगा के। ठीक है, ये जो मतलब कि सिर्फ एक ही बार की मेहनत है, 6-7 महीने एक बार मन लगा के मेहनत कर लो, डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा, कोई झमेला कोई टेंशन कुछ पालने की जरूरत नहीं है, एक ही बार की मेहनत लगेगी, दोबारा भी करने की जरूरत नहीं, एक बार ढंग से मेहनत कर लो तो दोबारा बार बार प्रयास करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही बार में सिलेक्शन हो जाएगा, एक बार नहीं तो मैक्सिमम 2 चांस में सिलेक्शन हो ही जाता है। ठीक है भाई, ये सूचना आप लोगों को देनी थी, सहनाती राम राम, धन्यवाद, लाना ले लो, खेच जाओ फटाफट बढ़ता है।